हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक ही गो में स्वागत है। आज हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर, फायर के बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज़ फायर? फायर इज़ द केमिकल रिएक्शन। इट रिएक्ट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्यूल इन एटमोसफियर एंड टिपिकल गिव आउट ब्राइट लाइट, हीट एंड स्मोक। अच्छा दोस्तों, फायर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड फ्यूल के बीच में होता है इन एटमोसफियर, जो हमें ब्राइट लाइट, हीट एंड स्मोक देता है। तो दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कुछ नहीं, वो है ऑक्सीजन, जो कि आग जलाने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा भी फ्लोरीन, क्लोरीन जो हाईली नेगेटिव गैसेस होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं आज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आप नीचे जो देख रहे हो, ऑक्सीजन एंड हीट एंड फ्यूल, ये तीनों प्राइमरी एलिमेंट होते हैं आग के। ठीक है, फायर के प्राइमरी एलिमेंट होते हैं। अभी हम देखेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। दोस्तों, जो भी अब मटेरियल यहाँ पे लिखा गया है, उन मटेरियल में अगर आग लगता है, वो आग कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से क्लास ऑफ फायर में आते हैं, वो उस फायर को क्लासेस किया गया है। ठीक है, तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। क्लास ए में क्या क्या आता है? फायर इन्वॉल्विंग सॉलिड मटेरियल, मतलब अगर फायर इन्वॉल्व होता है सॉलिड मटेरियल में, जैसे कि वुड, पेपर और टेक्सटाइल, उसे हम क्लास ए फायर बोलेंगे। क्लास बी मतलब फ्लेमेबल लिक्विड, लिक्विड जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, पेट्रोल एंड डीजल, अगर इस चीज़ों में अगर आग लगता है तो उसे हम क्लास बी फायर बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लेमेबल गैसेस सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन। ठीक है, क्लास डी में आते हैं फ्लेमेबल मेटल सच एज लिथियम एंड मैग्नीशियम, अगर इन कैटेगरी में अगर आग लगता है इन मेटेरियल में, तो उसे हम क्लास डी बोलेंगे, क्लास डी फायर बोलेंगे। एंड क्लास ई में इलेक्ट्रिकल अपर्टस, अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिवाइस में अगर आग लगता है, अपर्टस में आग लगता है, तो उसे हम बोलेंगे क्लास सी फायर। क्लास ए में आता है, क्लास एफ में आता है कुकिंग ऑयल एंड फैट, अगर कुकिंग ऑयल फैट में अगर इस तरीके से चीज़ों में, मटेरियल्स में अगर आग लगता है, तो उसे हम क्लास ए फायर बोलेंगे। तो दोस्तों, आज आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।